जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, आज हम साधारण धनिए की बात करेंगे। हमारी रसोई घर में प्रयुक्त एक मसाले की तरह धनिए का प्रयोग होता रहा है। धनिए का प्रयोग रसोई में खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है, जबकि इसे केवल खाने को ही स्वादिष्ट नहीं बनाया जाता। दोस्तों, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। धनिए के पत्ते खाने को और भी अधिक स्वादिष्ट और सजाने का काम करते हैं। जब हम सब्जियों और दालों में धनिए का प्रयोग करते हैं तो हमें देखने में भी वो बहुत सुंदर लगती है। कुछ लोग धनिए का प्रयोग सब्जी बनाने में करते हैं, धनिए की पत्तियों को चटनी बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप धनिए को प्रयोग में ला रहे हों तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि वो बिल्कुल साफ हो और उसमें मिट्टी के कण नहीं हो, क्योंकि इससे भी आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धनिए में पाए जाने वाले औषधीय गुणों के कारण हमें बहुत ही फायदे प्राप्त होते हैं। आइए विस्तार से धनिए के फायदे देख लेते हैं। ये आंखों की अगर जलन है तो उसको दूर करने के लिए धनिया बहुत ही कारगर होता है। आंखों की जलन को दूर करने के लिए मिश्री, सौंफ, धनिए के बीजों को बराबर की मात्रा में लेकर उसका चूर्ण तैयार कर लें और इस चूर्ण का सेवन भोजन के बाद करें। इसके सेवन से आपको आंखों, हाथों और पैरों की जलन से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको सिर दर्द से भी राहत मिलेगी। आंखों से पानी अगर गिर रहा है तो धनिए के पत्तों को पीसकर उसका पानी निकाल लें और उसको मोटे कपड़े से छान लें। फिर उस पानी को किसी शीशे में डाल कर रखें और उसकी दो दो बूंदें अपनी आंखों में डालने से आपकी आंखों से पानी निकलना बंद हो जाएगा। अगर पेट में गैस बनती हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इसमें क्या करना है जरा देख लीजिए। गैस की राहत पाने के लिए धनिए की चाय का सेवन आपको करना चाहिए, जिसमें 2 कप पानी में जीरा और धनिया डाला जाता है। साथ में चाय पत्ती, सौंफ डालकर कुछ देर तक पकाया जाता है। बाद में इसमें शक्कर मिला ली जाती है। इसमें शक्कर की जगह शहद का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसका सेवन करने से पाचन संबंधित समस्याओं में राहत मिलती है और गले में होने वाली समस्याओं में भी आराम मिलता है। पेट में गर्मी होने पर बार बार दस्त आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में 50 ग्राम हरा धनिया पीसकर उसे छाछ में या पानी में मिला लें, फिर इसका सेवन करें। इसका सेवन करने पर आपको दस्त में आराम मिलेगा। आपको इसका सेवन दिन में 2 बार करना है। अगर किसी तरह की पथरी है तो उसके इलाज में भी ये बहुत ही कारगर होगा। पथरी होने पर धनिया के पत्तों को उबाल कर छान कर उसका सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए। ऐसा करने से पेट की पथरी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। मुहासों के लिए दोस्तों धनिया बहुत अच्छा माना जाता है। मुहासों और चेहरे के काले धब्बे हटाने के लिए धनिया की पत्तियों को पीस लें, उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर उसका लेप तैयार कर लें। उस लेप को दिन में 2 बार लगाएं। ऐसा करने से आपको जल्द ही मुहासों और काले धब्बों से राहत मिल जाएगी। गर्मियों में लू से बचने के लिए आप धनिया को पीस कर उसका रस निकाल लें और उसमें चीनी डालकर सेवन करें। रोजाना इस तरह सेवन करने से आपको सर्दी जुकाम में भी राहत मिलेगी। अगर आपको नींद की समस्या है तो नींद की समस्या को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे जरा देख लीजिए। नींद ना आने पर आप हरे धनिए में मिश्री को मिलाकर उसकी चटनी बनाएं। इसका सेवन दिन में 2 बार करें। इस उपाय से आपको अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी। अगर ऑर्थराइटिस है तो धनिया आप खाते रहिए, ऑर्थराइटिस की समस्या से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, अगर घाव नहीं भरता है तो धनिया का इस्तेमाल करिए, क्योंकि धनिया एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है। जब भी हमारे शरीर पर कहीं भी चोट या घाव हो जाता है तब इसका इस्तेमाल बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप अपनी चोट और घाव को जल्दी भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मुंह में घाव है तो धनिया का रस पिएं। आपका नर्वस सिस्टम दोस्तों अगर काम नहीं कर रहा है, कमजोर हो गया है, तो धनिया की पत्तियों का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। धनिया की पत्तियों को खाने से इंसान का नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है। अगर अल्जाइमर है तो धनिया का सेवन कीजिए, पत्तियों का सेवन कीजिए या धनिया का जो पाउडर है उसका सेवन कीजिए, आपके अल्जाइमर ठीक हो जाएगा। एलर्जी में भी ये लाभकारी होता है दोस्तों। धनिया की तासीर ठंडी होती है, इसलिए एलर्जी को शांत करने का ये एक अचूक उपाय है। अगर आपको गठिया है तो गठिया में भी ये बेहद लाभकारी माना जाता है। धनिया में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, ये गठिया में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसका उपयोग करने के लिए शिया मक्खन, नारियल का तेल या फिर अपने मनपसंद लोशन में आधा चम्मच धनिया पाउडर डालकर एक लेप तैयार कर लें। इसका प्रयोग जोड़ों पर करें, आपको बहुत ही जल्द इसका फायदा मिल जाएगा। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।